बस्तर पुलिस को गांजे की बड़ी खेप पकड़ने में सफलता मिली है। गांजा तस्करी की सूचना उड़ीसा से मिली थी। कार्रवाई करते हुए नगरगार थाने की पुलिस ने छत्तीसगढ़ उड़ीसा के सीमा क्षेत्र धनपुंजी में कार से 100 किलोग्राम गांजा जब्त किया है। पुलिस के अनुसार तस्कर गांजा लेकर बिलासपुर भागने के फिराक में थे। पकड़े गए गांजे की कीमत 5 लाख रुपए बताई जा रही है। मामले में पुलिस ने एक आरोपी अनिल कुमार सूर्यवंशी को गिरफ्तार किया है। वहीं गांजा तस्करी में इस्तेमाल कार को भी पुलिस ने जब्त कर लिया है। मामले में एक आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। सूचना पर थाना प्रभारी नगरनार बुधराम नाग के नेतृत्व में टीम गठित कर कार्यवाही हेतु धनपुंजी नाका की ओर रवाना किया गया था और उक्त टीम के द्वारा धनपुंजी में संदिग्ध वाहनों की चेकिंग की जा रही थी। दौरान चेकिंग के एक बलेनो कार को जो है रोककर चेक किया गया, जिसमें इस मामले का जो संदेही है अनिल सूर्यवंशी निवासी सीपत बिलासपुर मिला और जिसके बलेनो कार की तलाशी लेने पर उक्त कार में जो है 100 किलोग्राम अवैध गांजा बरामद हुआ, जिसके संबंध में पूछताछ करने पर जो है इसने उक्त गांजा की तस्करी उड़ीसा से जो है बिलासपुर की ओर करना स्वीकार किया गया है।